भैया गोपी चंद दे, आज आप इस बाणे में वो भी मेरे द्वार पे। हे बहन सुंदरावल, अब यही बाणा रहेगा, इसी बाणे को मैंने धारण कर लिया है माता के कहने से। अच्छा, मैंने जोग ले लिया है। जोग ले लिया? हाँ। ऐसा कौन सा कारण हो गया था जिसके कारण तुमने जोग ले लिया? कारण ये रहा कि माता का आदेश हुआ। अच्छा। और माता का आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश सर्वोपरि। अच्छा। हाँ। मैंने जोग धारण कर लिया है, माँ मेरे इस शरीर को अमर कराना चाहती है, तो माँ का ही आदेश मेरे लिए सब कुछ है, उस माँ के कहने से मैंने जोग को लिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। कहिए बहन। सुनिए मेरी बात। भरत वंश का हर बच्चा
पड़ी के विपदा पड़ी भारी। परमेश्वर का भजन करूं मैं बन योगी तप धारा। ओ मैं बन योगी तप धारी। किसके ऊपरी सबरी करे मरे रो रो के महतारी। माता ने देश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी। हो मेरे बेटे बनो रे पुजारी। कैसे नारा कर दिया जिसने रे पेट फाड़ी के जाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। साथियों, ये भारत ऐसा देश रहा है जिसमें ऋषि मुनि संत महात्मा अच्छे अच्छे तपधारी और अपने वचनों से ना फिरने वाले ऐसे ऐसे योगी महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने अपने बेटों तक की बलि दी है, अपने आप को साथियों जंगलों में धक्के खाए हैं स्वयं ने, लेकिन अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया। आज गोपी चंद ने माता के आदेश का पालन करते हुए साथियों जोग धारण कर लिया। अकेली बहन थी चंद्रावल, आज बिन भैया को यह समझ लीजिए कि जोग धारण देख करके बिन भैया के आज कैसे बिलखरी है उसकी आत्मा जानती है साथियों। क्योंकि संन्यास आश्रम में जब इंसान प्रवेश कर जाता है तो इस मोह इस संसार से कोई साथियों रहता नहीं, लेकिन आज के महात्माओं का माहौल थोड़ा दूसरा है, जो ग्रस्त भी भोग रहे हैं और संन्यास आश्रम में दिखावे के लिए बैठे। तीसरे नंबर पे सुनने की और गुनने की कथा लिखी, क्या बताया क्या दर्शाया भाई। चोट खोटे फिरे जून को
चंद रावल। हाँ भैया गोपी चंद। परमात्मा बहुत बड़ी चीज है। अच्छा। हर रास्ता अपने आप दिखा देता है। अच्छा। जिसको जिस रास्ते की जरूरत है और जिसने जिस जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार ये संसार में सभी प्राणी सुख और दुख का आनंद उठाते हैं। अच्छा। हाँ, जिस तरह से वो रास्ता दिखाएगा उसी तरह से हर जीव को हर प्राणी को रहना। लेकिन भैया मैं तो आपकी इकलौती बहन हूँ और आप भी मेरे इकलौते भाई हो। पिताजी भी नहीं रहे, मेरे भाई बात कौन भरेगा? हे बहन चंद्रावल, वो हर वो परमात्मा वो तेरा भात भी भरेगा और परमात्मा तुझे सही रास्ता भी दिखाएगा। अच्छा, मेरी बात सुनिए भैया। आदर मानी करेगा ती राजदार ले बहन लांडे अली हर तेरा ध्यान धरेगा के हर तेरा ध्यान धरेगा बारे कन्या तेरे बिन कौन दानी करेगा सबका मालिक रखवाला रख सा भगवान।